हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और ये मैंने बहुत पहले ही एक बड़ा सा थाल पोस बना के रखा था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी डिजाइन मैं आपके साथ शेयर करूँ। और ये मैंने अलग अलग कलर में बनाए हैं, यहाँ पे जैसे रेड है, इसके साथ ब्लैक यूज कर लिया, और ये वाला व्हाइट है। ये दो दो कलर है मेरे मिक्सअप। और इसकी डिजाइन मैंने कैसे बनाई है, एक वीडियो तो मैं ये वाला भी बना रही हूँ। ये डिजाइन भी सेम ही है जैसे मेरे ये बीच में आया है। और इसके जो झल्लर हैं मैंने बनाए हैं, तो अभी तो मैं वीडियो में दिखाऊंगी नहीं, फिलहाल जो ये बीच का डिजाइन है इतना ही मैं वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि वीडियो लंबे हो जाते हैं। और पूरी वीडियो दिखाऊंगी तो इसकी दिखाऊंगी, इसमें भी मैंने झल्लर नहीं लगाए हैं, बीच वाली डिजाइन ही बनाई है। और ये मैंने कैसे बनाया है, चलो करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो वीडियो पूरा देखने के बाद आपको वीडियो कैसा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। सबसे पहले एक नोट लगा लेते हैं, 6 चैन बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। फिर फर्स्ट वाले चैन में इसको ज्वाइंट करेंगे, फिर 3 चैन ले लेंगे, 1, 2, 3। अब इसके अंदर एक डबल क्रोशिया ले लेंगे, जो गोल सर्कल बना है, एक डबल क्रोशिया, फिर एक चैन ले लेंगे, फिर एक डबल क्रोशिया, एक चैन, एक डबल क्रोशिया, एक चैन, एक डबल क्रोशिया, एक चैन, एक डबल क्रोशिया, और ऐसे ही एक चैन, एक डबल क्रोशिया करके हमें पूरे 12 डबल क्रोशिया करने हैं और 12 चैन बनाने हैं हर डबल क्रोशिया में। तो इसको दिखाती हूँ कंप्लीट करके। अब ये 12 डबल क्रोशिया कंप्लीट हो चुके हैं। अब 1, 2, 3 चैन पे हम इसको जॉइंट करते हैं। पहले और जो चौथा चैन है हमारा, यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया, अब यहाँ पे हम 3 चैन ले लेंगे, 1, 2, 3। इसी के साथ हमें एक डबल क्रोशिया भी लेना है। तो एक चैन का हो गया, एक ये हो गया, तो 2 डबल क्रोशिया हो गए। फिर एक चैन लेंगे, 1, और फिर 2 डबल क्रोशिया नेक्स्ट वाले में, 1 डबल क्रोशिया, और फिर वापस इसी में 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चैन लेंगे, और फिर 2 डबल क्रोशिया। ये होल दिख रहे हैं जो, यहाँ पे हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1, 2। 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चैन ले लेंगे, और फिर नेक्स्ट वाले होल में 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर इस होल में ऐसे ही हमें पूरी राउंड कंप्लीट करनी है। 2-2 डबल क्रोशिया और एक एक चैन, और फिर जो हम आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हमें डबल क्रोशिया बनाना है। तो ऐसे ही
पूरी राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए नीचे एक एक डबल क्रोशिया और ऊपर दो दो डबल क्रोशिया। अब ये डबल दो डबल क्रोशिया वाला राउंड भी कंप्लीट हो गया। अब हम तीसरे चैन पे जॉइंट करेंगे इसको सिंगल क्रोशिया से ऐसे ही, और यहाँ पे एक हम हाफ सिंगल क्रोशिया से आगे बढ़ेंगे यहाँ पे इस चैन पे, और फिर तीन चैन ले लेंगे, एक दो तीन, तीन चैन लेने के बाद ये जो चैन लिए हैं एक डबल क्रोशिया हमारा ये भी गिना जाएगा, और दो अब हम और बनाएंगे, एक दो, तो तीन हो जाएंगे, एक दो तीन। नीचे हमने एक डबल क्रोशिया से राउंड पूरा किया, फिर दो डबल क्रोशिया से राउंड पूरा किया, और यहाँ पे अब हमारा तीन डबल क्रोशिया से राउंड पूरा होगा। फिर एक चैन ले लेंगे। अब यहाँ जो हमने दो बनाए थे ये दो के एक दो ये छोड़ के ये जो बीच वाला होल दिख रहा है यहाँ पे हमें तीन डबल क्रोशिया बनाने हैं, एक दो और तीन। फिर एक चैन ले लेंगे, फिर दो ये जो दो डबल क्रोशिया वाला था ये छोड़ के हमें इस होल में तीन डबल क्रोशिया बनाने हैं, एक दो तीन। फिर एक चैन ले लेंगे, फिर ये दो डबल क्रोशिया वाला छोड़ के तीसरे पे एक दो और तीन, ऐसे ही तीन तीन डबल क्रोशिया और एक एक चैन लेके हमें ये राउंड भी कंप्लीट करनी है। तो हमारा तीसरा डबल क्रोशिया वाला राउंड भी कंप्लीट हो चुका है, और जो हमारे हमने तीन चैन लिए थे एक दो तीन, तीसरे चैन पे हम पहले जॉइंट कर लेंगे। चौथे चैन पे ये वाला देखिए, चौथे चैन पे हाफ सिंगल क्रोशिया से आगे बढ़ना है, यहाँ पे भी हाफ सिंगल क्रोशिया से आगे बढ़ना है, क्योंकि हमने डिज़ाइन यहाँ से शुरू करने हैं, जो ये होल बन रहे हैं यहाँ से डिज़ाइन शुरू कर रही हूँ, तो हाफ सिंगल क्रोशिया से यहाँ तक आएंगे। तीन चैन और इसी के साथ एक डबल क्रोशिया। अब दो वाला राउंड हमारा फिर से शुरू हो रहा है जो हमने नीचे बनाया था, तो एक चैन ले लेंगे, ये जो मैंने दो डबल क्रोशिया बनाए थे यहाँ पे एक चैन लेंगे, फिर वापस हमें ये तीसरा चल रहा था तो हमें चार करना था, तो वापस हमें इसी में दो डबल क्रोशिया और करने हैं। अब हमारे ये चार हो गए हैं। पहले हमने एक डबल क्रोशिया वाला राउंड पूरा किया, फिर दो वाला, फिर तीन वाला, अब चार वाला, तो चार डबल क्रोशिया और एक चैन। फिर यहाँ पे पहले दो डबल क्रोशिया बनाने हैं और दो डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम यहाँ पे एक चैन ले लेंगे, फिर वापस इसी में हमें दो डबल क्रोशिया और बनाने हैं, तो चार हो जाएंगे। फिर एक चैन और फिर इधर जाना है, दो डबल क्रोशिया फिर एक चैन और दो डबल क्रोशिया वापस इसी में, फिर एक चैन, फिर ये जो तीन डबल क्रोशिया वाला हमारा ये नीचे बना था ये तीन छोड़ के इस होल में हमें दो डबल क्रोशिया बनाने हैं पहले, एक
दो, फिर एक चैन ले लेंगे और वापस इसी में दो डबल क्रोशिया और बना लेंगे। तो चार चार वाला हमारा ये राउंड भी, अब चौथा वाला राउंड भी पहले कंप्लीट करते हैं। अब मेरा चार चार डबल क्रोशिया वाला राउंड भी कंप्लीट हो चुका है, तो हम वो तीसरे चैन पे फिर से जॉइंट करेंगे। और ये आगे बढ़ने के लिए इस वाले जो हमारा ये वाला चैन है, यहाँ पे एक सिंगल हाफ डबल क्रोशिया करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमने डिज़ाइन यहीं से शुरू करना है। तो एक दो तीन, तीन चैन लेके हमें अब यहाँ पे दो डबल क्रोशिया बनाने हैं। एक तो हमारा ये चैन का हो गया और एक हमारा ये हो गया। फिर एक चैन ले लेंगे और ये एक डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया छोड़ के हमें इस होल में दो डबल क्रोशिया बनाने हैं। फिर एक चैन ले लेंगे और फिर जो हमारा ये चार वाला था, चार डबल क्रोशिया बनाए थे हमने, तो एक दो इधर छोड़ के, एक दो इधर छोड़ के जो बीच में हमने एक चैन लिया था यहाँ पे, यहाँ पे हमें दो डबल क्रोशिया बनाने हैं। अब एक दो, फिर चैन ले लेंगे और फिर ये दो छोड़ के दो डबल क्रोशिया, एक चैन ले लेंगे, फिर ये दो छोड़ के यहाँ बीच में दो डबल क्रोशिया। अब हमारा दो वाला राउंड शुरू हो रहा है फिर से। फिर एक चैन ले लेंगे, फिर दो छोड़ के दो डबल क्रोशिया, एक चैन ले लेंगे। कभी कभी क्या होता है, जब मैं डिज़ाइन शुरू करती हूँ तो ये वाले जो होल होता है इनमें से लेती हूँ, लेकिन आज का जो डिज़ाइन है मैं यहाँ से सीधे यहीं से ऐसे चैन को उठा रही हूँ। एक दो, फिर एक चैन लेना है और ये दो छोड़ के फिर यहीं से ऐसे पूरी राउंड ऐसे ही दो दो चैन, दो दो डबल क्रोशिया और एक एक चैन से कंप्लीट करती हूँ। ये देखिए, तो हमारा जो है दो दो डबल क्रोशिया वाला राउंड था ये भी कंप्लीट हो चुका है। और जो हमने तीन चैन लिए थे, तीन चैन पे हमें ये जॉइंट कर देना है। तीन चैन पे और यहाँ पे हम ये जो इस हाफ सिंगल क्रोशिया, यहाँ पे भी पहले हाफ सिंगल क्रोशिया लेके जॉइंट करेंगे, फिर इसके बाद तीन चैन ले लेंगे। एक दो तीन, तो एक तो ये हो गया और दो इसमें हमें डबल क्रोशिया बनाने हैं। जैसे हमने नीचे बनाया था, तीन वाला राउंड अब शुरू हो रहा है, तो तीन डबल क्रोशिया हो गए एक में, फिर चैन बनाएंगे एक, फिर ये दो डबल क्रोशिया छोड़ के अब इस होल में हमें ऐसे ही ये डिज़ाइन हमारा ऊपर को बढ़ता जाएगा। एक दो और तीन, अब हमारा तीन वाला, तीन डबल क्रोशिया वाला राउंड शुरू हो रहा है। चार तक हम लेके आए थे, पहले एक डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया, तीन डबल क्रोशिया, चार डबल क्रोशिया और फिर से हमारा अब ये दो वाला हुआ और तीसरे वाला शुरू हो गया। तो ये दो में हमें नहीं कर, इस होल में हमें तीन डबल क्रोशिया बनाने हैं। और ऐसे ही आप जितना भी बड़ा बनाना चाहोगे बढ़ा सकते हैं ऊपर। ये देखिए, तीन डबल क्रोशिया, फिर एक चैन ले लेंगे, फिर इस होल में तीन डबल क्रोशिया, एक दो तीन,
और फिर एक चैन ले लेंगे। चैन तो हमें सब में लेने हैं, जितनी बार मैं वो बना रही हूँ, तीन में, दो में, एक डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया, तीन डबल क्रोशिया और एक चैन ले लेंगे। ऐसे ही अब हमें तीन वाला राउंड भी कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, ये वाला डिज़ाइन भी मेरा कंप्लीट हो गया है राउंड। अब यहाँ से हमें फिर से तीन चैन पे हमें जॉइंट करना है। तीसरे चैन पे हमने जॉइंट कर दिया और हमने डिज़ाइन यहाँ से शुरू करना है, यहाँ इस डिब्बे से। तो हम जब तक वहाँ पहुँच नहीं जाते तब तक हम ऐसे सिंगल क्रोशिया लेंगे यहाँ आगे बढ़ने के लिए। एक यहाँ पे ले लिया और एक यहाँ पे ले लिया और एक यहाँ पे ले लिया। अब हमें तीन चैन लेने हैं, एक, दो, तीन। अभी तीन वाला राउंड था तो यहाँ पे हमारा चार वाला होगा। अब जैसे नीचे बनाया था तो एक तो हमारा ये चैन का हो गया, एक हमारा ये हो गया, तो दो डबल क्रोशिया हो गए, एक बीच में चैन ले लेंगे और फिर वापस इसी में हमें दो डबल क्रोशिया और बनाने हैं, तो चार हो जाएंगे इसमें भी। ये देखिए, फिर एक चैन लेना है और तीन वाला छोड़ना है हमें, एक, दो, तीन। तो इस वाले उसमें होल में हमें चार डबल क्रोशिया बनाने हैं। पहले दो बनाएंगे, दो बनाने के बाद हम यहाँ पे बीच में एक चैन ले लेंगे और वापस दो उसी में फिर से बनाने हैं। तो चार वाला हम सेकंड राउंड ये ऐसे ही ला चुके हैं, एक, दो, तीन, चार करके। फिर चौथा फिर आ गया, दोबारा हम ऊपर बुनेंगे तो फिर से दो वाला शुरू करेंगे। तो एक, दो, तीन, ये तीन चैन छोड़ के इस होल हमें चार डबल क्रोशिया बनाने हैं। पहले दो बनाएंगे, दो बनाने के बाद एक चैन लेंगे और दो फिर इसी में बनाएंगे, दो। मेरा मैं आगे ऊपर और बढ़ाऊंगी इसको, लेकिन मेरे वीडियो में इतना ही रहेगा। क्यों, इसके बाद हमें अब दो वाला शुरू करना है फिर से। इसको पहले पूरा करते हैं। ये देखिए, ऐसे ही हमें बार बार रिपीट करके जाना है, आगे बढ़ते जाना है। जितना भी बड़ा आप बनाओगे, ये वाला डिज़ाइन हमारा बन के तैयार हो रहा है। ये चार वाला डबल क्रोशिया हमारा कंप्लीट हो रहा है। फिर से हम दो डबल क्रोशिया शुरू करेंगे और मैं भी इसको ऊपर और बड़ा थोड़ा सा बनाऊंगी, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है वो मैं बताऊंगी नहीं ऊपर, वीडियो नहीं मैं नहीं दिखाऊंगी। एक, दो, तीन, तीसरे पे हमें जैसे हमें ये हमने जॉइंट कर लिया है तीसरे चैन पे और हमें वीडियो यहाँ से वो चैन हमने शुरू करने हैं डिज़ाइन। अब दो दो वाला जब शुरू होगा तो दो इधर के छूटेंगे, दो इधर के छूटेंगे। तो हमें यहाँ पे हमने जॉइंट कर लिया है एक सिंगल हाफ डबल क्रोशिया आगे बढ़ने के लिए और यहाँ से शुरू करना है तो एक सिंगल हाफ डबल क्रोशिया, फिर तीन चैन लेंगे, एक, दो और तीन। तीन चैन लेने के बाद एक तो हमारा चैन का हो गया और एक हमारा यहीं पे इसी होल से एक डबल क्रोशिया हो गया, एक चैन हो गया। और अब हमारा दो दो डबल क्रोशिया वाला राउंड शुरू हो रहा है, तो दो चैन छोड़ के हमें इस होल में फिर दो डबल क्रोशिया करने हैं और यहाँ पे भी दो डबल क्रोशिया करने हैं। फिर एक चैन लेना है, फिर जो चार वाला था हमारा ये, एक, दो, ये छोड़ने हैं हमें और इस होल में हमें दो डबल क्रोशिया करने हैं। तो ऐसे ही हमें ऊपर को बढ़ाते जाना है। वीडियो में भी इतना ही। अब मैं ऊपर चार, जब तक मेरा चार डबल क्रोशिया पे नहीं आ जाते तब तक मैं भी ऊपर बढ़ाऊँगा। तो फ्रेंड, मेरा ये थाल पोस कंप्लीट हो चुका है। अब इसको थोड़ा सा जॉइंट करेंगे। यहाँ पे जो हमने तीन चैन लिए थे इसको यहाँ पे हम जॉइंट कर लेंगे और धागा कट करेंगे।
ये देखिए अब मेरा ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को। थैंक यू, धन्यवाद।